सुंदरपुर गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, लेकिन उसका पास का गांव सुखी नगर वो एक बहुत ही भूतिया गांव था। सुखी नगर में जब भी कोई शादी होता तो वहां की दुल्हन घर से बाहर नहीं निकला करती थी। एक दिन सुंदरी की शादी थी और पूरी तैयारी चल रही थी, तभी उसके दरवाजे पे एक टुन्नी चिड़िया आती है। उस टुन्नी चिड़िया की आवाज़ से सुंदरी की माँ घर से बाहर आती और कहती है, अरे अरे इतनी प्यारी चिड़िया मेरे घर के आगे, क्यों ना मैं इसे अपने शादी में सजावट का काम करूं। वो उनसे कहती, क्या तुम मेरी बेटी के शादी में घर के बाहर रहोगी। तभी वो हंसते हंसते अपना असली रूप ले लेती। उसका असली रूप देख सुंदरी की माँ घबरा जाती और कहती कि प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वो कहती, चुप जाप जाओ और अपनी सासू माँ को बाहर भेजो। उसकी माँ जल्दी से घर में जाती और अंदर से अपने बड़े बुजुर्ग को घर से बाहर भेजती। वो लोग के आते ही जोर जोर से भूतिया चिड़िया हंसती और कहती, पहचाना मुझे, क्या तुम लोगों को मैं याद हूँ। और फिर वो एक दुल्हन का रूप ले लेती। वो दुल्हन बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। उसका रूप देख वो लोग डर जाते और घबराते हैं और ये पूछते हैं कि हमारे यहाँ शादी का माहौल है और मेरी बेटी तो घर से बाहर भी नहीं गई, फिर क्यों तुम यहाँ आई हो और कौन हो तुम। तभी वो हंसते हुए कहती कि आपकी बेटी रास्ते में मुझे मिली थी, छिप के वो अपने होने वाले पति से मिलने गई थी और मैं उसके तो पीछे पीछे आ गई। एक बार अपने घर में जाके चेक करना कि तुम्हारी दुल्हन रानी घर में है या नहीं है। उसके परिवार वाले घबरा जाते हैं। सुंदरी के एक गलती के वजह से एक भूतिया दुल्हन उनके पीछे लग जाती है। भूतिया दुल्हन कहती कि अब तुम्हारी बेटी की शादी नहीं, मेरी शादी होगी। शादी के दिन ही मैं मर चुकी थी, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने दहेज नहीं दिया था, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने मुझे शादी के मंडप में ही मार दिया और तब से मैं शादी के फिराक में घूम रही हूँ। अच्छा हुआ कि तुम्हारी बेटी घर से बाहर निकल गई। वैसे भी इस गांव में किसी का भी शादी होता तो एक महीना पहले से ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता और मैं किसी को नहीं पकड़ सकती। तुम्हारी बेटी का तो मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब कल उसकी नहीं मेरी शादी होगी, उसके शरीर में मैं चली जाऊँगी और फिर उसके हस्बैंड के साथ साथ फेरा मैं लूँगी। वो लोग बहुत घबराए रहते हैं और चकित रहते हैं। देखते ही देखते कहती है, चलिए अम्मा आजी बाबा आप लोग घर में चलिए, हम लोग साथ चलते हैं। और वो घर में प्रवेश कर जाती। अगले दिन पूरा बारात इकट्ठा होता। दुल्हन को घर के बाहर देख सारे बाराती पूछते हैं, अरे दुल्हन तुम घर के बाहर क्या कर रही हो, हम लोग तो यहाँ बाराती बन के आए हैं और यहाँ कोई सजावट नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है। दुल्हन उनकी ओर देखती और फिर जोर से हंसते हुए जवाब देती, आपकी बेटे से तो मैंने शादी कर ली, बारातों वाले आप लोग आने में देर हो गए, अब आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है मुझे, वरना मैं जब अपने असली रूप में आऊँगी ना तो मेरा असली रूप देख के तुम लोग घबरा जाओगे। सारे बाराती ये सोचते हैं कि ये कैसी दुल्हन है जो हमसे ऐसे बात कर रही है। दुल्हन उन्हें डांटती और कहती कि चलो चलो अब जल्दी से निकलो मेरे गांव से, अब मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे जिससे मतलब था मैंने तो उससे शादी कर लिया, अब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ये सारी दुल्हन की बातें सुन के सारे बाराती चकित रहते हैं और फिर कहते हैं, शायद हम ही गलत जगह पे आ गए, छोड़ो अब हम चलते हैं। सारे बाराती वहाँ से निकल जाते हैं और वो भूतिया दुल्हन चिड़िया हंसते हुए अपने मायके की ओर निकलती और फिर वहाँ कोई भी लड़की शादी से पहले गांव से बाहर नहीं निकला करती थी। इसी वजह से अब ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर